देखो भाई, अब अरमान मलिक ने सना मकबूल को भी उंगली करने की कोशिश की है। और उंगली करने की कोशिश क्या भाई, उंगली की ही है। सना मकबूल बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्ती जो है निभा रही है अरमान मलिक के साथ है। पर उनको पता नहीं है कि अरमान मलिक जो है किसी के भी सगे नहीं हैं। जब वो उंगली करने में आए तो वो किसी को भी उंगली कर सकते हैं। अब जो है लंच टाइम है, और लंच टाइम में विशाल और जो नेजी है उनकी ड्यूटी है, और चॉपिंग की ड्यूटी लंच की जो है सना मकबूल और दीपक की है। जहाँ पर अभी तक रेडी होना स्टार्ट नहीं हुआ है लंच, तो साई केतन के साथ बैठ के अरमान मलिक बोलते हैं कि भाई अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है लंच, लंच जो है टाइम टू टाइम चाहिए होता है, इन लोगों ने स्टार्ट तक नहीं किया। तो साई केतन बोलता है कि चलो हम लोग जाके बोलते हैं। तो नेजी को जाके वो लोग बोलते हैं कि लंच टाइम टू टाइम चाहिए। जिस वे में बोलते हैं नेजी को, तो नेजी भी आगे से यही बात बोलता है कि देखो सना और दीपक की जो है चॉपिंग की ड्यूटी है, जब तक चॉपिंग नहीं होती है, जब तक सामान रेडी नहीं होता है, तब तक हम खाना बना ही नहीं सकते हैं, और सना जो है वो रेडी हो रही है। तो इतनी ही बात सुन के जो है नैजी सना के पास जाते हैं और सना को ये पूरी बात बताते हैं कि भाई ऐसा करके अरमान बोल रहा था। तो वहां पर काफी ज्यादा भड़क जाती है सना मकबूल, और उसका कहना ये है कि अगर एक चॉपिंग की ड्यूटी में बंदा नहीं है तो वहां पर जो है आखिरकार दीपक जी तो है ना, दीपक जी तो कर सकते हैं, मेरे हिस्से का 5-6 दिन हो गए, मैं भी तो कंटिन्यू कर रही हूँ। अगर मैं कहीं पर बिजी हूँ या मैं रेडी हो रही हूँ, तो थोड़े से लहसुन या 1-2 प्याज जो है उनके हिस्से में आएगा, तो क्या वो नहीं चॉपिंग कर सकते हैं, वो भी तो कर सकते हैं। यही सब चीजें जो है सुन लेते हैं अरमान मलिक। अरमान मलिक जो है उंगली करने के लिए हर जगह पर घूमते रहते हैं, तो वहां पर भी यही बात कहने लग गए सना मकबूल को कि भाई जिसकी जो ड्यूटी है वो बंदा वही ड्यूटी करेगा ना, टाइम टू टाइम तो चाहिए लंच। तो ये चीजें जो है हो रही है घर में। अभी सना मकबूल को कहीं ना कहीं समझ, अगर दिमाग होगा तो समझ जरूर आना चाहिए कि भाई ये बंदा जो है किसी का भी सगा नहीं है, ये यहां पर जो है उंगली करने के लिए आया है, कॉन्टेंट देने के लिए आया है, और इसे घर में जो है लास्ट तक रहने के लिए आया है। पता नहीं इसके दिमाग में ये भी है या नहीं कि इसको विनर बनना है, क्योंकि ऐसी पर्सनालिटीज जो उंगलियां करती रहती है वो विनर तो कभी भी नहीं बनती। वो लोगों के दिलों में जो है नफरत ही पैदा करते हैं अपने लिए, जो कि अरमान मलिक कर रहा है। पर सना मकबूल का अगर दिमाग है तो उसको समझ जाना चाहिए कि ये मेरा सगा नहीं है। अगर वहीं पर अरमान मलिक की बीवी होती, यानी कि जो सगे लोग हैं जो कि घर से रिश्ते लेके आए हैं, उनको तो ऐसा नहीं बोलते, उनको प्यार से जाके बोलते। तो यहाँ पर लड़ाई को और भी ज्यादा ड्रैग करने के लिए ये पूरी बात जो है वो फैला दी अरमान मलिक ने। साई केतन भी काफी ज्यादा इस चीज के मजे लेते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।